हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, किस बार का जो टॉपिक चल रहा है वह है हमारा सौरमंडल, और मैं आप लोगों को सौरमंडल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, और आज की जो यह वीडियो है वह है हमारा सौरमंडल का पार्ट टू। तो जिन भी भाई लोगों ने सौरमंडल का पार्ट वन नहीं देखा है, वह सबसे पहले जाके इस वीडियो का पार्ट वन देखें, यानी कि इस टॉपिक का पार्ट वन देखें। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग चाहें तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी उसको देख सकते हैं। लेकिन गाइस, वो वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको 25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे सौरमंडल के, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो गाइस, जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर किए थे, इसी तरीके से हम अपने सेकंड पार्ट में भी 25 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा ही गाइस, मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था कि यह वीडियो SSC और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो आज की वीडियो में आपके लिए SSC और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हालांकि यह सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन SSC और रेलवे वालों के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा देखनी जरूरी है। तो SSC और रेलवे वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो गाइस, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जो सूर्य होता है वह हाइड्रोजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। तो गाइस, यदि आपसे एग्जाम में हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा जाता तब तो इसका आंसर होगा 71%, और यदि आपसे एग्जाम में हीलियम का परसेंटेज पूछा जाता तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 29%। तो गाइस, आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखने हैं। चलिए गाइस, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो गाइस, जो हमारा बुध ग्रह है वह हमारे सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? गाइस, यह क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रिंट नहीं हो पाया। जब मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं उसमें अच्छी तरीके से आपको टाइप करके दूंगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को अभी समझ लेते हैं। तो गाइस, जो हमारा बुध ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। गाइस, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, जो हमारा बुध ग्रह है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। चलिए गाइस, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो गाइस, जो हमारा बुध ग्रह है वह हमारा सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। अभी हमने आपको बताया भी था ऊपर कि कितना समय लेता है, यह टोटल 88 दिन का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। चलेगा, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो गाइस, जो हमारा शुक्र ग्रह है उसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो यह तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है यह एक ग्रह है, और इस पर सब इसी पर ज़्यादा जीव रहते हैं, और किसी भी ग्रह पर हमारे जीव नहीं रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, यह भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बताया होगा। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो गाइस, जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा समय है इसको। गाइस, आप लोग एक दो बार अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, इसमें कोई ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। तो चले गाइस, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% तक सिर्फ जल ही जल है, तो इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चले गाइस, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो गाइस, जो हमारा चंद्रमा है उसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
चंद्रमा क्या है। तो गाइज ये तो आपको इतने क्वेश्चन करके उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह एक उपग्रह भी, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। देखते हैं गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो गाइज जो हम पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देखते हैं वह सिर्फ हमें 57% ही दिखाई देता है और 43% को तो हम पृथ्वी से देख ही नहीं सकते। मतलब कि जो चंद्रमा का 43% एरिया है उसे तो हम पृथ्वी से गाइज देख ही नहीं सकते। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो गाइज उत्तरी गोलार्ध में हमारा सबसे बड़ा दिन होता है वह हमारे 21 जून को होता है। किस तिथि को रात व दिन बराबर होते हैं? तो गाइज इसका आंसर होगा हमारा 21 मार्च व 22 सितंबर। ये आपको दोनों ही आंसर याद रखने हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो गाइज 21 मार्च और 22 सितंबर को हमारे दिन और रात इक्वल टाइम के होते हैं। सूर्य धारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा 1011 वर्ष। चले गए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो गाइस जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है वह है हमारा ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो गाइस जो अरुण ग्रह की खोज हुई थी वह हुई थी हमारी 1781 में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो गाइस जो हमारा चंद्रमा होता है वह पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है गाइस वो हमारा चंद्रमा का होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और गाइस इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन यह भी याद रखना है कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो गाइज यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको अच्छी तरीके से आपको याद करना है। देखते हैं चलेगा ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो गाइज जो हमारा ज्वार भाटा है वह सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के एग्जाम की नोटबुक में हो सके। और गाइज इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चंस को हम आगे आने वाली वीडियो के पार्ट्स में कवर करेंगे, अभी इस टॉपिक के 2 पार्ट्स और आने बाकी हैं। तो गाइज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब वो पार्ट्स आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके।